फार्मेसी करने के बाद इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइक एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जो बी फार्मा और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद इंडियन आर्मी में जाने का सोचते हैं। जी हाँ, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे सिपाही फार्मेसिस्ट की जो पोस्ट आती है यहाँ पे इंडियन आर्मी में, क्या इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सर, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और इसकी वैकेंसी जो है वो कब कब आती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है, कुछ ही दिनों पहले यानी कि एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि अग्निपथ योजना के बाद डिटेल में बात की थी कि अग्निपथ योजना के बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी कैसे होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने इस वीडियो को चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड में इधर ही आपको इसकी लिंक मिलेगी, एक क्लिक पे आज वीडियो को आप जरूर चेक करें। आज के इस वीडियो डेडिकेटेड हम बात करेंगे सर सिपाही फार्मासिस्ट की पोस्ट क्या होती है। तो देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा सिपाही फार्मासिस्ट की वही पोस्ट है जैसे कि एज ए रोल फार्मासिस्ट का होता है। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा, काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ हो गया आपका, बीएसएफ हो गया, ये सारी क्या है, ये सर जो है हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है। यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, किसकी वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है और अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी आती है, अलग अलग इसके बेसिक क्राइटेरिया है। बट जबकि हम इंडियन आर्मी की बात करता हूं, तो वहां पे फार्मेसी करने के बाद आप कैसे जा सकते हैं सर, यहाँ पे सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, किस हिसाब से वैकेंसी आती है, तो देखिए यहाँ पे आर्मी रिक्वायरमेंट रियली होती है इसमें, स्पेशली सिपाही फार्मासिस्ट के लिए। सबसे पहली बात तो सर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि देखिए स्क्रीन पे आपको एक पीडीएफ दिख रही है, ये प्रीवियसली एक वैकेंसी है जो कि इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर मैं गौर करूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 10+2 इंटरमीडिएट, आपका डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है, कितने परसेंटेज के साथ, 55% के साथ एलिजिबल है और रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल, मतलब आप हिंदुस्तान के इंडिया के कोई भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने अनिवार्य है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा और क्या एलिजिबिलिटी है, तो देखिए अगर आप डी फार्मा है देन यू आर एलिजिबल, एंड अगर आप बी फार्मा है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, होने चाहिए आप पर्टिकुलर, अलग अलग आपकी जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे काफी बार कंफ्यूज होता था स्टूडेंट कि सर सीआरपीएफ बीएसएफ, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग आती है वैकेंसी, यहाँ पे फार्मासिस्ट का पूरा ही महकमा अलग है, आर्मी का जो कैटेगरी है वो पूरा का पूरा अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल के पास में, मतलब जो फार्मासिस्ट जहाँ पे डिस्पेंसिंग हो रही है मेडिसिन की, पेशेंट को मेडिसिन देना है, ये सारा काम जो है बेसिकली सिपाही फार्मासिस्ट का है, वहां पे वही काम है जो फार्मासिस्ट का एज ए वर्क रहता है। नेक्स्ट बात आती है सर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसी होती है, रैली के थ्रू ये वैकेंसी फिल की जाती है, रैली के थ्रू ये वैकेंसी जो है वो फिल की जाती है। तो देखिए सबसे पहली बात, जब भी इंडियन आर्मी का सोचते हैं तो यहाँ पे हमारा दिमाग में क्राइटेरिया फिक्स हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं, रिटर्न के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होंगे और फिजिकल टेस्ट भी देने पड़ेंगे। तो इस कैटेगरी में क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है इसके बारे में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहली बात सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आप बी फार्म है, आप डी फार्म है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, देन यू आर एलिजिबल, है ना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, देखिए यहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो किस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं, देन आपकी कैटेगरी आती है। सबसे पहली जो चीज होती है रैली की मैं बात करूं तो रैली क्या होती है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं आपके, वो किस हिसाब से होते हैं, तो देखिए आपका आता है कि आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं रैली में तो रन करना पड़ेगा। तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पे है, तो देखिए 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको, कितने टाइम के जो है वो आपको रन करना पड़ेगा, कितना टाइम पीरियड है, देखिए 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये रन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप इस रन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको ग्रुप वन में रखा जाएगा, अगर नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी इस नोटिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा और क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए सेकंड आता है 10 जो है आपको 10 पुलअप बार जो है वो करने पड़ेंगे, पुलअप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 9 डिच, मतलब कि वो खोदना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जिग जैग बैलेंस जो है लास्ट में आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिक जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है इससे निकलना पड़ेगा आपको, इसको पास जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, हाइट का क्राइटेरिया क्या रहेगा सर। तो देखिए इंडिया में अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो नागालैंड साइड में, मतलब उत्तर नॉर्थ साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है। तो हाइट का क्राइटेरिया जो है वो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उसी से हमें क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लें इस नोटिफिकेशन में भी दिख रखा है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से ही आपकी हाइट जो है वो फिक्स होने वाली, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए आप कहां से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपकी हाइट जो है यहां पे मेजर की जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए यहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है दिस इज फॉर ओनली क्वालिफाइंग, इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसके कोई नंबर नहीं है, आपको इसको जस्ट क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं देन आपका आता है मेडिकल टेस्ट होता है ना, तो आर्मी का मेडिकल टेस्ट बहुत ही एक अच्छे लेवल का मेडिकल टेस्ट होता है। इवन दोज मेडिकल मेंटल फिटनेस सारा सब कुछ जो है वो आपका टेस्ट यहाँ पे होता है ना। तो आप जैसे ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर पाते हैं जो है मेडिकल टेस्ट जो है वो होता है। तो जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट कंप्लीट कर लिया, मेडिकल कंप्लीट कर लिया, अब आपने आधा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया और लास्ट बारी आती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। और यहाँ पे एक अच्छा एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलता है रिटन एग्जामिनेशन में, वो कैसे सर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, दो पेपर होते हैं आपके, कितने पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर जो है आपका वो जीके और जनरल इंग्लिश का होता है, जी हाँ जीके और जनरल इंग्लिश का होता है। और यहाँ पे ये 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके 100 मार्क्स से, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का आपका मार्क्स जो है वो दो नंबर का रह जाता है। तो कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल जीके, जनरल नॉलेज के, ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात आती है, ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट। सेकेंड सर, पेपर सेकेंड कितना का है, तो पेपर सेकेंड आपका फार्मेसी एजुकेशन से आएगा, मतलब जो आप सिपाही फार्मेसी की वैकेंसी के लिए आए हैं तो फार्मेसी एजुकेशन में आपका HAP आ गया, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मास्यूटिक्स आ गया आपका, डिस्पेंसिंग आ गया, जूरिस प्रोडेंस आ गया। तो आप ये समझ सकते हैं फार्मा एजुकेशन जो है उसमें से रिगार्डिंग आपके रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और यहाँ पे भी इसका वेटेज 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका कितना, 200 नंबर का जो है रिटर्न एग्जामिनेशन रहने वाला है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो देखिए 40 मार्क्स जो है आपके वे पेपर वन के हैं, 40 नंबर क्वालिफाइंग है पेपर वन के, और पेपर टू के आपके 60 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने समझ में आ गया कि सर सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही इजीली हमें समझ में आ गया कि सर अगर मैं फार्मासिस्ट करता हूँ, फार्मेसी करने के बाद मैं अगर मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहता हूँ तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और मैं मिलिट्री आर्मी की मैं बात करूँ तो आर्मी में रैली के थ्रू सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, जिसकी एलिजिबिलिटी बी फार्म और डी फार्म जो है वो रखी गई है विद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, पहले मुझे फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है जिसमें कि ये मुझे रन करना पड़ता है, रन करने के बाद मुझे ये जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, हाइट अकॉर्डिंग टू मेरे स्टेट रहेगी। नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट मुझे करना पड़ता है और लास्ट में मुझे रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। और रिटर्न एग्जाम में दो बेसिकली मेरे पेपर होते हैं, जीके इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर, 50 क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन ये, दोनों में क्वालिफाइंग 45 और 60 जैसे कि आपके क्वालिफाइंग करने हैं, 100 मार्क्स जैसे लाएंगे आप जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए ये जो प्रोसेस मैंने बताया है प्रीवियसली जैसे एग्जामिनेशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैंने बताया, अब कभी भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि आप जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, सारा सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर साहब एकेडमी पे।
वैकेंसी जो है वो जोनल वाइज आती है ना, अलग अलग, जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी की जो रैलियां होती है अलग अलग जिले वाइज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी जो प्रीवियसली आ चुकी है। तो अब फ्यूचर में जब भी इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा उसकी सबसे पहले अपडेट जो है वो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा कि अग्निपथ स्कीम के बाद फार्मासिस्ट की कैसे भर्ती होगी, इसके बारे में भी डिटेल में बात की है। इस वीडियो को जरूर चेक कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।